लोक निर्माण विभाग ने हमीरपुर शहर के बस स्टैंड के आसपास निशानदेही लेने का काम तेज करवा दिया है। अब इस सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ बनाने का कार्य एक महीने के भीतर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने मटन सिद्धर से पक्का भरो तक निशानदेही ली है और जहां भी यह कार्य बचा हुआ है उसे भी अब पूरा किया जा रहा है। जहां भी लोगों ने जगह को घेरा हुआ है उसे भी हटाया जाएगा। बस स्टैंड नदौन चौक से टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहां कार्य शुरू किया जाना है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दीपक कपिल ने बताया कि मटन सिद्ध से लेकर पक्का भरो तक हमीरपुर बस स्टैंड के आसपास भी निशानदेही ली गई है। जहां भी काम बचा है उसे पूरा किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। फुटपाथ बनाने का कार्य एक महीने के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से विजय ठाकुर की रिपोर्ट। बेसिकली ये निशानदेही जो हमारा ये रोड है मटन सिद्ध से पक्का भरो, तो ये हमीरपुर बस स्टैंड से भोटा चौक तक जहाँ पे अभी फुटपाथ बाकी बनने को है उस पोर्शन में हमने डिमार्केशन ली हुई है और बाकी जो बचा हो उसकी भी ले रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे फुटपाथ का काम शुरू कर लिया जाएगा। हाँ, जो जगह लोगों ने रिक्वेस्ट की है उसको हम रिमूव करेंगे, रिक्वेस्ट बिल्कुल रिमूव करेंगे। हम इसका बेसिकली जो ये बचो बस स्टैंड से लेके नदौन चौक के बीच में जो पोर्शन है उसका टेंडर हमने कर दिया है और बाकी जो है बस स्टैंड से लेकर भोटा चौक तक उसकी डिमार्केशन इज अंडर प्रोसेस और टेंडर भी उसका हम साइमल्टेनियसली फ्लॉट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई महीने भर में काम शुरू कर देंगे। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा एम्पोरियम कॉलेज रोड कांगड़ा।